हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं कि अनलॉक 2 में केंद्र सरकार क्या बदलाव कर सकती है। तो आज हम मेट्रो शिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने और रोजगार के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस खबर को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के बाद बीते 1 जून से चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की शुरुआत की गई। 30 जून को समाप्त हो रहे अनलॉक 1 के बाद अब सरकार ने अगले अनलॉक 2 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार के सूत्रों की माने तो सरकार आने वाली 30 जून को अनलॉक 2 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले चरण के अनलॉक में अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने, शिक्षण संस्थानों और मेट्रो सेवाओं की शुरुआत पर सरकार का फोकस रहेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं मेट्रो के बारे में। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल प्रमुख शहरों में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमणों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर केंद्र सरकार मेट्रो ट्रेनों को फिर से शुरू करने से पहले गंभीरता से विचार कर रही है। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना केस बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जबकि मुंबई में अपेक्षाकृत स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। हालांकि अब उपनगरों में कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा है। दक्षिण भारत में अब आलम यह है कि चेन्नई में तो कोरोना के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नए केस सामने आने पर आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है। इन हालात को देखते हुए फिर से मेट्रो सेवाओं को शुरू करना थोड़ा डिले हो सकता है। आइए जानते हैं शिक्षण संस्थान के बारे में। केंद्र सरकार देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों को रोजाना तेजी से बढ़ते देख शिक्षण संस्थानों को फिलहाल खोले जाने को लेकर कदम पीछे खींच सकती है। केवल कर्नाटक के अलावा ज्यादातर प्रदेशों ने अपनी बोर्ड परीक्षा कैंसिल कर दी है। CBSE और ICSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षा रद्द करने के बाद नतीजे जारी करने के लिए वैकल्पिक ग्रेडिंग योजना तैयार की है। इससे पहले गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनलॉक 1 के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूल और कॉलेजों को खोलने का फैसला राज्यों के परामर्श से लिए जाना था। बीते 30 मई को जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें शिक्षण संस्थानों को खोलने पर अभिभावकों और अन्य हितधारकों के साथ संस्थागत स्तर पर सलाह मशवरा कर सकती हैं। इस दौरान मिली प्रक्रिया के आधार पर आने वाली जुलाई में शिक्षण संस्थानों को पुनः खोले जाने का फैसला किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं हवाई यात्रा के बारे में। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार के भीतर चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निजी एयरलाइंस को संचालित करने की परमिशन देने पर चर्चा जारी है। इसके पीछे की वजह के बारे में बताते हुए संबंधित अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार के वंदे भारत मिशन पर अमरीकी प्रशासन आपत्ति जता चुका है। अमरीका कह रहा है कि इस मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया तो अमरीका आ रहा है, लेकिन वहां की एयरलाइंस को अमरीका भारत मार्ग पर उड़ान की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। ऐसे में इस मिशन को अमरीका द्वारा रोके जाने को भी धमकी दी गई है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी वंदे भारत मिशन पर इसी तरह का विरोध जताया है। आइए आखिर में आपको बताते हैं अनलॉक 2 में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे या नहीं। अनलॉक 2 में श्रमिकों को रोजगार के ज्यादा मौके मिले, इसके लिए कुछ अन्य योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से इनमें भारी तादाद में प्रवासी श्रमिक लौटे थे। अधिकारियों की माने तो अनलॉक 2 में स्थानीय श्रम शक्ति के रोजगार को प्रोत्साहन करने के साथ ही कुटीर उद्योगों के विकास पर फोकस किया जाएगा। सरकार उद्योगों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।